A home is made of love and dreams. देखते हैं क्या ये वाली वीडियो में बात होना Hey guys, welcome to another video. Or yes, this is a sick face. ये normal face नहीं है, ये बीमारों वाला face है. क्योंकि मैं थोड़े दिन से थोड़ी मेरी तबीयत खराब चल रही थी और इसीलिए मैं videos में ही shoot कर रही थी. मेरे exams भी चल रहे थे, but अभी सब खत्म हो गए and I'm feeling much better now. तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो vlog बनाते हैं. तो आज मैं शूट कर रही हूँ अपना नाइट टाइम रूटीन. मैं नाइट में क्या करती हूँ, कल मेरे को ड्यूटी जाना है, मेरा अभी आज ऑफ था तो मैं ड्यूटी जाने से पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठना इज हमसे नहीं हो पाता. वो बहुत बड़ी महारत है सुबह उठ के सारा काम करना. तो इट्स बेटर कि मैं रात में सब रेडी करके रख दूँ ताकि सुबह ज़्यादा दिक्कत ना हो. सुबह पर उठ के नहा धो के और सब रेडी मिलेगा आपको, सामान लेके चले जाओ वाली बात. So the first thing I'm gonna do is take a nice hot shower because I need to fix myself. Really need to fix myself. By the way, excuse me. By the way, अभी रात के 9 बज रहे हैं, मतलब 9 बजने में 10 मिनट है और अभी तक बाहर still light outside. UK में ये होता है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं. सुबह 4-5 बजे उजाला स्टार्ट हो जाता है और रात में ये 9 बजे अभी भी ऐसी है. अभी भी थोड़ा सा सनसेट काइंड ऑफ थिंग. तो yeah, we're gonna take a shower and then I'll see you guys. ओके, ऑल शावर्ड अप, डन. मैंने पता नहीं वीडियो में पहले क्या बोला था कि मैं हॉट शावर लूंगी क्या लूंगी, पर मैंने कोल्ड शावर लिया क्योंकि आज की मैं पढ़ रही हूँ कि कोल्ड शावर इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ. सो दैट्स व्हाई आई ट्राइड कोल्ड शावर विच वॉज गुड. आई होप कि मेरे में ज्यादा एनर्जी ना आ जाए क्योंकि मुझे सोना है, कल ड्यूटी जाना है. बट यू हैव टेकन अ शावर. मेरी मम्मी को यह कलर बिल्कुल नहीं पसंद. माई मम डजंट लाइक, शी डजंट लाइक व्हाइट और ब्लैक. उनको ये कलर बिल्कुल भी पसंद है और उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी लेके गई थी तो शी वाज लाइक, ये व्हाइट क्यों, कोई और कलर देंगे क्या. एनीवे नहीं मम्मा, इसमें सिर्फ व्हाइट ही आता है तो इसीलिए आई एम वेरी व्हाइट. एनीवे आई एम क्विकली गोना डू माय स्किन केयर. मैं पहले स्किन केयर में इतना वो नहीं थी, मतलब ठीक है थोड़ा बस फेस वॉश और मॉइस्चराइजर वगैरह करती थी मैं. प्रॉपर 3-4 स्टेप्स वाला स्किन केयर मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था. मेरे को अभी भी रिसेंटली एक्ने हुए हैं क्योंकि मेरे को अभी पीरियड्स हुए थे तो मेरे को ये हार्मोनल एक्ने होते हैं तो इसीलिए इतने ज्यादा है, वरना पहले से मेरी स्किन बहुत बेटर हो गई है जब से मैंने ये स्किन केयर वगैरह सब स्टार्ट करा है. को अगर आपको स्किन इश्यूज वगैरह हैं सो प्लीज मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अपना स्किन पे इन्वेस्ट करें. बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा. ऑब्वियसली जो इंटरनल हो आपका वो तो मैटर करेगा ही, लाइक द वे यू ईट, आप कितना ऑयली और फ्राइड और हाई शुगर और हाई सॉल्टेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं, दैट ऑब्वियसली मैटर्स. बट उसके ऊपर दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर स्किन. बाय द वे इफ आई एम लुकिंग हियर माय मिरर इज दिस साइड एज इफ यू गाइस कैन. मैं ऐसी ही व्लॉगर बन रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी सेलेब्रिटी हूँ एंड यू गाइस फॉलो मी अराउंड. मैं ऐसे वाला बिहेव कर रही हूँ पर मैं नहीं हूँ. आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन ट्राइंग टू बी अ व्लॉगर. ओह लुक एट दैट, आई लाइक दैट ग्लो, आई लाइक दैट ग्लो. ऑब्वियसली एज आई सेड एक्टिंग है बट द ग्लो. रात में मैं SPF, रात में मेरा स्किन केयर बहुत सिंपल है. ऑब्वियसली मैं इस रूटीन में मेरा एक विटामिन सी एड होता बट इट्स एम्प्टी. मेरे को कल शॉपिंग जाना पड़ेगा. सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्किन. नाउ वी गोना डू द हेयर. ओके, सो आई हैव कॉम्ब माय हेयर. पता नहीं कुछ लोग बोलते हैं गीले बाल बनाने नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं इट्स ओके. मतलब जब भी आप हेयर सलून जाओ तो वो लोग तो वेट हेयर पे ही कॉम्ब करना शुरू कर देते हैं. सो आई डोंट नो, दिस इज व्हाट आई डू. ओके, तो मैं तो रेडी हो गई हूँ लेकिन मुझे कल के लिए अब अपने कपड़े आयन करने हैं और मेरे को अपना लंच पैक करना है. उसके बाद वी विल बी रेडी टू गो टू बेड.
मेरे को ना वो वाला लिप बाम ट्राई करना है, लेनेज का जो देखा है मैंने, उसके बारे में बहुत सुना है. आई एम गोना ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम. पर मैं ये ब्लॉग में क्यों बता रही हूँ. ये बाय द वे मेरा स्टोर रूम कम ड्रेसिंग रूम कम चेंजिंग रूम सब कुछ अभी फिलहाल यही है, क्योंकि दूसरे रूम में अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए वो सारा सामान यहाँ पे बस ऐसे ही रखा हुआ है. आई एम गोना अपलोड दैट वीडियो सून जब थोड़ा सा काम हो जाएगा और सब सेटल हो जाएगा. सो मैं वो रेनोवेशन का वीडियो भी डालूंगी. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. बट फर्स्ट अभी कल का सोचते हैं और हम अपने कपड़े आयन करते हैं. ओके तो क्लोथ्स आयन हो चुके हैं. ऑब्वियसली मैंने पूरा आयनिंग करते हुए पूरी वीडियो नहीं शूट करी. हाँ, और एक बात, आप लोगों को ये वीडियो इतनी एस्थेटिक तो नहीं लग रही होगी, बिकॉज दिस इज द रियलिटी. एक नॉर्मल जो जब एक नॉर्मल घर में जो काम होता है, डेली रूटीन जो होता है, वो ऐसे ही होता है. इट्स नॉट एस्थेटिक. मैं जगह जगह जाके कैमरा रख के वो वाला भी नहीं करूंगी. मे बी लेटर, मे बी आई ट्राई दैट, बट नॉट एट द मोमेंट. अभी हम थोड़ा सा रियलिस्टिक शूट कर रहे हैं. नाउ आई एम गोना पैक माय लंच. लेट मी पुट यू गाइस समवेयर. ओह दैट्स बेटर. सो आई एम गोना पैक माय लंच नाउ. ये कैमरे का हैंडल थोड़ा ऐसा है क्योंकि मैं अपना अभी क्या बोलते हैं ट्राईपॉड नहीं ला रही. मैंने ऐसे रखा प्रिपेयर ओवरनाइट ओट्स जो कि होगा मेरा कल का ब्रेकफास्ट. ओवरनाइट ओट्स में जब से बनाना शुरू करा है आई एब्सोल्युटली लव इट. हम जस्ट गोना मेजर इट. मैं वैसे जनरली मेजर नहीं करती, अभी मैं थोड़ा कैलोरी काउंटिंग कर रही हूँ तो इसलिए आई एम मेजरिंग इट. Then I'm gonna add these flaxseed bioculture mixture. I'm gonna add 20 gram of this. इसके बाद मैं इसमें add करूँगी थोड़े से आमंड्स. सब कुछ मेजर कर, कैलोरी काउंटिंग में ये है कि सब आपको सब कुछ मेजर करके ही बनना है. थोड़े से कैशियो नट्स. मतलब ब्रेकफास्ट मेरा पूरे दिन का सबसे हेल्दीएस्ट चीज होती है. हेल्दीएस्ट मेनली जो मेरे पूरे दिन का होता है वो ब्रेकफास्ट ही होता है हमेशा. नाउ आई थिंक दिस इज डन. एक चीज जो अभी मेरे पास नहीं है वो है पीनट बटर. आई लव पीनट बटर इन ओवरनाइट ओट्स, बट वो मेरे पास नहीं है अभी. एंड ऑल्सो ओट मिल्क. ओट मिल्क आई लव ओट मिल्क. उसमें इतना मतलब क्रीमी और टेक्सचर ऐसे थोड़ा आता है, वेरी गुड. और टमी पे भी ज्यादा हेवी नहीं है. सो एड ओट मिल्क. आई एम गोना मिक्स इट वेल और उसके हिसाब से इफ आई वॉन्ट थोड़ा सा और सो आई कैन एक्चुअली खत्म ही हो गया. आई फिनिश दिस. इसमें मैंने स्वीट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा है. कुछ लोगों को पसंद है तो वो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, शुगर, शुगर सिरप, एनीथिंग. मेरे को कुछ नहीं पसंद होता. अगर मुझे थोड़ा सा कभी कभी चाहिए होता है, एज आई सेड मैं थोड़ा सा पीनट बटर उसमें थोड़ा सा निटेला ऐड कर देती हूँ, बट अभी के लिए ऐसे ठीक है. यूजली मैं इसमें कुछ स्वीट डालती नहीं हूँ. दिस इज ये जाएगा फ्रिज में कल के ब्रेकफास्ट के लिए. अब वी गोना पैक आवर लंच. लंच के लिए मैंने आज ये बैंगन की सब्जी भी बनाई थी, मतलब व्लॉग शूट करने से पहले ही बनाई थी.
कल सुबह उठ के सब्जी बनाना इज नॉट पॉसिबल, मतलब वो पॉसिबल है ही नहीं. तो ये आलू बैंगन की सब्जी जाएगी कल हमारे लंच के लिए. इतनी टेस्टी बनी थी ना भाई, क्या बताऊं, रियली यम. How cute is this lunch? We're gonna pack our roti. Roti again, मैंने बनाई थी आज शाम को. हम जाएंगे दो रोटी लंच के लिए. Our lunch. चलो ये तो हो गया लंच. और इसके बाद मीठे में क्या खाएंगे हम लोग, मुझे आपको पता नहीं, पर मेरा ऐसा होता है कि अगर मैंने कुछ लंच या डिनर स्पेशली करा है तो उसके बाद आई नीड समथिंग स्वीट. और हम अभी हेल्दी खाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मैं चॉकलेट वगैरह नहीं लेके जाऊंगी. पर मैं सोचूं मेरे पास लो कैलोरी चॉकलेट्स भी हैं, वो भी मैं रख सकती हूँ या फिर मैं फ्रूट्स रख सकती हूँ. आई थिंक आई एम गोना गो विद फ्रूट्स फॉर टुडे. लेट्स पैक आवर फ्रूट्स अगेन. आई लव दीस काइंड ऑफ जार्स, मतलब ये बहुत छोटे कॉम्पैक्टर्स के अंदर कुछ भी रख लो. फर्स्ट वी गोना स्टार्ट विद मैंगोस, जो मैंने पहले कट करके रखे हुए थे. Then I have some blueberries जो मैंने ऑलरेडी वॉश करके सब प्रिपेयर करके रखी है. They can go in there. ये होने वाला है हमारा स्वीट के लिए. ये स्वीट के लिए हो सकता है या बीच में स्नैक्स. अनदर थिंग आई लाइक टू टेक इज बेबी बेल्स. ये चीज़ है, आई नो कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं खाली चीज़ कैसे खा रही हूँ, बट यूके में ये कॉमन है थोड़ा सा स्नैक चीज, रॉ चीज़ खाना. और टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे अच्छा लगता है, रियली लाइक इट. तो ये मैं हमेशा स्नैक के तौर पर अपने साथ रखती हूँ. सो आई एम गोना पैक दिस एज वेल. तो ये तो हमने पूरा अपना लंच प्रिपेयर कर लिया, पैक कर लिया है. सुबह उठ के हमें अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रेडी होना है और अपना ये सब सामान उठाना है और जाना है. नाउ वी कैन गो टू द बेड. सोने जाने से पहले आई एम क्विकली गोना राइट डाउन जो मैंने आज पूरा खाया है. जैसे मैंने बोला कि मैं कैलोरी काउंटिंग कर रही हूँ, सो मैं सब कुछ लिखती हूँ कि आज मैंने क्या खाया एवरी डे. और मैं अपना फिर देखते हैं, खैर ये वाली वीडियो में बात बनाने वाली हूँ. मैं ज़्यादा डिटेल्स अभी नहीं दूंगी क्योंकि मैं इस पे वीडियो बनाने वाली हूँ. मैंने ये वाली चीज़ पहले करी है, लाइक कैलोरी काउंटिंग, मतलब वेट लॉस किया था मैंने पहले थोड़ा 7-8 kgs, विच वॉज वाव. लेकिन ऑफकोर्स बहुत मेहनत लगती है खाने पे कंट्रोल और ये सब, तो इसीलिए मैं दोबारा से वो स्टार्ट करना चाह रही हूँ. बिकॉज रिसेंटली आई बीन ईटिंग वेरी अनहेल्दी, सब कुछ बाहर से ऑर्डर करके खाना और ये वो. एज आई सेड, क्योंकि मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही थी और उससे पहले भी कुछ था कि हम लोग घर में खाना नहीं बना पा रहे थे, तो एवरीथिंग वॉज ऑर्डर्ड और टेक अवे ज़्यादा थे. सो टू कम बैक ऑन ट्रैक आई एम डूइंग दिस, कि ताकि मैं सब हेल्दी खाऊँ. सो यस, आई एम गोना राइट दिस एंड देन वी गोना गो टू बेड. Okay, this is done. अब हम go. So निकले, I'm gonna take my water with me ताकि सुबह उठ के मैं प्यासी आत्मा की तरह ना घूमूं. Oops, ये ज़्यादा डार्क हो गया. Where is the light?
There we go, that's better. Okay. Oh, by the way, look at this. It says, I can't even read because the camera is on. A home is made of love and dreams. How cute. मेरा भी थोड़ा सा घर का रेनोवेशन और ऐसे चल रहा है मेरे को जो जो चीजें थोड़ी अच्छी लगती है आई ब्रिंग इट सो ये सनी के काम है यहाँ पे नेल देखी और उसने अपनी टी शर्ट टांग दी कुछ बनता नहीं था यहाँ पे टी शर्ट टांगना मैन अब मैं सोने से पहले समटाइम्स आई रीड बुक्स समटाइम्स आई एम नॉट अ रीडर गाइस मैं नहीं हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही होती तो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ मेरे पास शायद एक या दो बुक ही है ज्यादा भी नहीं है अभी तो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे तो मैं पढ़ाई कर रही थी तो उससे बहुत प्यारी नींद आ जाती है बुक खोलते ही नींद आ रही थी बेड पे आ चुके हैं आई नो ये वाला व्लॉग बहुत ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं था शोन क्वाइट अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ रूटीन जो कि हर घर में होता है आई थिंक ऑब्वियसली सारी नाइट सेम नहीं होती अगर मेरा कल ऑफ होता तो मैं ये सब नहीं कर रही होती मेरा रूटीन कम्प्लीटली डिफरेंट होता सो आई एम गोना शूट अ डिफरेंट व्लॉग एज वेल जिसमें मैं आपको डिफरेंट नाइट टाइम रूटीन दिखाऊंगी और आई एम गोना शूट मॉर्निंग रूटीन एज वेल मैं ये वाली वीडियोज बहुत सारी शूट करने वाली हूँ प्लीज लेट मी नो आपको कैसा लगा और इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस मैंने इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि आपको कैसी वीडियोस देखना पसंद है और लोगों ने इतने सारे आइडियाज दिया बट सारे आइडियाज इतने डिफरेंट एक दूसरे से आई वाज थिंकिंग कि कोई एक नीश मिलेगा कि भाई तुम ऐसी वीडियो बना सकते नहीं सब लोगों ने अलग अलग आइडिया दिया ना मतलब लाइक आई एम बैक टू जीरो नाउ ये दिक्कत है कि मेरे को एक नीश चाहिए अपने चैनल के लिए कि मैं क्या बनाऊँ मैं डेली व्लॉग ऑब्वियसली नहीं कर सकती बिकॉज आई एम वर्किंग आई एम स्टार्टिंग और एडिट एक्चुअली ना एडिटिंग में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है शूट तो आप कर लो बट एडिटिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है और वो मेरे पास कभी कभी नहीं होता तो वीडियोज मेरे पास अभी भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जो बनके से रखी हुई है बट क्योंकि वो मैंने एडिट नहीं करी थी अब वो टाइम चला गया इट्स नॉट गोना मेक सेंस और आई डोंट नो मैं थोड़ा ओवरथिंक भी करती हूँ तो इस वजह से मेरा नहीं हो पाता बट एनीवे आई एम गोना ट्राई टू मेक मोर वीडियोज और मैं ज्यादा कंसिस्टेंट रहना शुरू करूंगी प्लीज शो योर लव लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो और कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा या फिर क्या नहीं अच्छा लगा ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ ऑलराइट बाय गुड नाइट